देखिए स्टूडेंट, अभी अपने इंटरेस्ट के बारे में बात किया अपने, जो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग बोरिंग के बारे में बात किया, जो अपन हाउस प्रॉपर्टी में माइनस करते हैं, राइट। अब वो इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने के लिए मुझे बहुत सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। अगर वो कंडीशन ना फुलफिल ना करो तो फिर मुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा या फिर बहुत कम मिलेगा, जो मेरा लिमिटेशंस है। तो वो कंडीशंस देखते क्या चीज़ है उसके अंदर पता चलेगा अपने को उसके बाद में। इंटरेस्टिंग है, बस देख लेना। चलो सर, फर्स्ट क्या बोला था? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से लिख देता हूँ भाई। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर सर? बोरोइंग। जो बोरोइंग हम लोग को किसके बारे में होना चाहिए, वो कंडीशन के अंदर आना चाहिए। इक्वेशन, ऑल कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, राइट। तो सर, बोरोइंग में दो टाइप के इंटरेस्ट मिलेंगे तुमको। सर क्या, सर अपने पास है ना, समझो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास है ना थ्री हाउस प्रॉपर्टीज़ है। क्या है मेरे पास? तीन हाउस प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तीन हाउस प्रॉपर्टी आ गया मेरे पास। तो ये हाउस प्रॉपर्टी को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानता हूँ, मतलब मैं ये घर रहने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फैमिली है मेरी यहाँ पर, यहाँ पर रेसिडेंशियल है मेरा, रहना है यहाँ पर, राइट। तो ये रेसिडेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, रेसिडेंशियल के पर्पस के लिए, ठीक है। सेकंड, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट मतलब मैंने क्या किया है सर, ये किसी को रेंट पे रखा है, राइट। मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी को रेंट पे रखा है, उससे मैं रेंट इनकम चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड सर, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या बोलना चाहता है सर डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब? ये खाली पड़ा हो या कुछ भी हो, यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसको, ठीक है। वो घर खाली पड़ा है, ताला पड़ा है, ऐसी पड़ा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, रुक, मैं इसको डीम टू बी लेट आउट मान रहा हूँ, ठीक है। देखो, हो सकता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी मान सकते हो उसको, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, मैक्स मैक्स टू मैक्स दो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। बट स्टिल ये एग्जाम्पल के लिए मैं इसको क्या ले रहा हूँ, फिलहाल डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान रहा हूँ, मतलब मान के चलो कि इसको भी लेट आउट किया, भले वो खाली पड़ा होगा, राइट। तो ऐसा में क्या है ना सर, देखो इसके लिए जो है ना, मैंने इसके लिए लोन लिया, राइट। लोन सर, ये दोनों के लिए भी लोन लिया है मैंने। क्या बोला मैंने? ये दोनों के लिए भी लोन लिया है सर, इन दोनों के लिए भी मैंने लोन लिया है सर। सर ये लोन जो समझो मेरा 1 करोड़ का लोन है, किसका है? 1 करोड़ का लोन है, हो सकता है। सर ये भी मेरा 5 करोड़ का लोन है, 5 करोड़ का, ठीक है। ये लोन है मेरा 5 करोड़ का लोन अमाउंट है सर। अब ये दोनों आपने ले लिया, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, इसका मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों मिला के, ठीक है। मैं सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करूँगा फिलहाल, ठीक है। तो इसमें मैं इंटरेस्ट है ना 3 लाख पे कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ सर? 3 लाख पे कर रहा हूँ मंथली, ये ईयरली मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट 3 3 लाख पे हो रहा है मेरा सर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जो है मेरा, इंटरेस्ट जो है मेरा यहाँ पर 4 लाख पे हो रहा है, ठीक है। तो सर ये लेटर प्रॉपर्टी है, ये डीम टू बी लेटर प्रॉपर्टी है, और ये कौन है? एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जब है ना, इन दोनों का मैं टेबल बनाऊंगा। कौन सा टेबल सर? कंप्यूटेशन करूंगा इन दोनों का मैं, जब कंप्यूटेशन करूंगा, जब इनका कंप्यूटेशन करूंगा, तो एक लेटर प्रॉपर्टी या फिर डीम टू बी लेटर प्रॉपर्टी, ठीक है। और सेकेंड क्या होगा मेरा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये दो चीज़ें, राइट। जब मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ ना, इसका राइट, इसका क्या करूँगा, जीएवी कुछ भी आएगा मेरा, माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस कुछ तो आएगा मेरा, माइनस करके जो बचेगा, क्या बचेगा? एनएवी। तो उसमें क्या माइनस करूँगा सर? डिडक्शन माइनस करूँगा। डिडक्शन कौन सा सर? 24 सेक्शन वाला सर। क्या क्या आता है उसमें? 30% ऑफ एनएवी, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलता है। तो इसका 30% लेके ये माइनस करूँगा, ठीक है। सेकेंड सर, इंटरेस्ट का आता है, किसका आता है सर? इंटरेस्ट का आता है। तो एलओपी और डीओपी है ना, क्या बोला मैंने? एलओपी और डीओपी, याद रखना, मैं अभी तो लिख रहा हूँ, ये एसओपी वाला बात कर रहा हूँ मैं। किसके लिए बात कर रहा हूँ? ये एसओपी, क्लियर है। और ये किसके लिए बात कर रहा हूँ सर? एलओपी और डीएलओपी, डीम टू बी लेटर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ आ गई।
ये दो चीज आ गई, डीम्ड टू बी लेट आउट और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर जब ये डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी आता है ना, तब अपन जो इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का कोई भी लिमिट नहीं है। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट का कोई भी लिमिट नहीं है, इंटरेस्ट का कोई भी लिमिट नहीं है। बिंदास जितना आता है उतना माइनस कर दो, आग बंद करके माइनस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सर ये जो है 4 लैक्स, 4 लैक्स, ये 4 लैक्स का 4 लैक्स क्या आ जाएगा? इधर आप पर आ जाएगा। कोई तुमको दिमाग नहीं लगाना है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम टू भी लेट आउट प्रॉपर्टी है। उसका अगर तुम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हो बोरिंग के ऊपर, बोरिंग किसके लिए होना चाहिए? एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल, रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ के लिए होता रहेगा। तो बिंदास क्या करना है तुमको? माइनस करना। तुमको कोई पूछेगा नहीं, लेट आउट प्रॉपर्टी का आया अगर इंटरेस्ट दिख रहा है तुमको, माइनस कर दो, खत्म, आग बंद करके। तो वो बना तुम्हारा लेट आउट प्रॉपर्टी, नो लिमिट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है सर, सिंपल सर, इसमें क्या याद करना है सर? जितना भी अमाउंट आ जाएगा सीधा माइनस कर दो। सर सर आगे आगे क्या है सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसका भी तो कैलकुलेशन होता है खुद का। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड का मैं बनाता हूँ, चलो जीएवी, जीएवी हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड का, जीएवी हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील होता है। क्यों सर? क्योंकि वो घर खुद यूज कर रहा है ना, वो थोड़ी ना रेंट कलेक्ट कर रहा है किसी से। रेंट कलेक्ट करेगा तो ही तो मैं आऊंगा, रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड, आरएलवी, ये सब यूज करूंगा मैं वर्ड्स। जब रिसीव ही नहीं कर रहा हूँ तो ये सब तब यूज होता है, रिसीव जब करूंगा, या रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो जीवी हमेशा क्या रहेगा इसका? निल रहेगा। सर उसके बाद माइनस क्या करूंगा? म्यूनसिपल टैक्सेस। तो सर कितना लू? अमाउंट लू? नहीं यार, वो भी निल रहेगा। क्यों सर? अपन म्यूनसिपल टैक्सेस जब पढ़ रहे थे तब वहां पर मैंने क्लियरली लिखा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस नहीं करते, क्योंकि उसका खुद का जीएवी क्या रहता है? नील रहता है। और वहाँ पे क्लियर कंडीशन की एलओपी और डीएलओपी के लिए ही तुमको म्यूनसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए नहीं मिलता है डिडक्शन। ठीक है, वो भी नील। सर क्या सब नील ही तो बच रहा है, और क्या बचा है सर? ये भी नील। वेरी गुड सर, ये बना तुम्हारा एनएवी। सर आगे जब बढ़ूंगा मैं तो क्या बचता है? डिडक्शन। डिडक्शन सर मेरे को याद है सर, 24 सेक्शन का डिडक्शन। तो क्या करना है यहाँ पर? दो चीज़ आएगा सर, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 30% एनएवी। सर एनएवी खुद है नहीं तो मेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, नील वो भी, राइट है। हाँ सर यहाँ पर एक चीज़ आता है सर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अभी, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का क्या सीन है यहाँ पर? सर इंटरेस्ट जो है ना, दो चीज़ है यहाँ पर। एक तो मिलता है अपने को 30,000, मैक्स टू मैक्स 30,000, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो आप, या फिर मिल सकता है मैक्स टू मैक्स 2 लाख, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट का डिडक्शन एसओपी में मिलेगा, बट दो कंडीशंस है उसके अंदर, दोनों में से एक कोई भी तुमको मिल सकता है, वो भी दोनों में से एक मिल। तुमको कौन सा चाहिए सर इसमें? सर 30,000 तो कम डिडक्शन है, अपन ज़्यादा लेते हैं, 2 लाख लेंगे सर। 2 लाख लेने के लिए तुमको भी इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, उसके हिसाब से तुमको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन तुम लोग फुलफिल करते हो तो तुमको ये 2 लाख पूरा मिल जाएगा भाई। सर इसका मतलब सर, सर ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, दोनों को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो सर ये दोनों एक को 30 मिला, एक 2 लाख, 2 लाख 30 हो जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इनकम टैक्स क्लियर बोलता है कितना भी हो, इधर 2 लाख हो, 30 लाख, 30,000 हो, या फिर 50 लाख हो, कुछ भी हो, मैं तुमको 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता। क्या बोला मैंने तुमको? मैक्स डिडक्शन कितना है इसके ऊपर? 2 लाख है। कितना है? मैक्स टू मैक्स 2 लाख, उससे ज़्यादा तुम लोग इधर माइनस कर ही नहीं सकते। उसके अंडर में कितना भी कर लो बट उससे ऊपर तुम लोग 1 रुपये भी माइनस नहीं कर पाओगे। तो डिडक्शन मैक्सिमम कितना है? 2 लाख का है, और कुछ कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो 30,000 का ही मिलेगा उसको भी, 2 लाख भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, अब वो कंडीशंस क्या है सर? पूना मैं इधर मैं बताऊंगा एक एक करके, अभी सब क्लियर करते, पहले बोर्ड क्लियर करते इसको। ठीक है, ये तुमको समझा? एलओपी में कोई लिमिट नहीं है सर, बिंदास माइनस कर सकते हो। यहाँ से मैं क्या करूँगा? डायरेक्टली 4 लाख माइनस कर दिया। ठीक है, अब एसओपी में क्या प्रॉब्लम है सर? एसओपी में जब है ना, जब ये कितना है एसओपी का अमाउंट? 3 लाख है। अब ये 3 लाख में डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकता हूँ ना, मेरे को मैक्सिमम लिमिट कितना है? 2 लाख का। वो भी 2 लाख का लिमिट मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो 2 लाख की जगह सिर्फ 30,000 ही मिलेगा। समझा? ठीक है, तो
तो स्टूडेंट्स देखते हैं अभी, जैसे कि आप पर क्लियर मैंने जैसा था वैसे रखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग लिखा है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग में क्या है, एसओपी और एलओपी। अब ये दोनों में से एलओपी और डीम टू बी एलओपी को अनलिमिटेड इंटरेस्ट मिल सकता है, जितना चाहिए उन लोग बिंदास ले सकते हैं, अगर वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए। पर्टिकुलर मतलब सर कंस्ट्रक्शन एक्वेशन रिपेयर और रिन्यूअल रिनोवेशंस, ये सब के लिए कवर होते हैं। ठीक है, अब सर एसओपी के बारे में, सर एसओपी का क्या करना है? सर सर एसओपी में ना दो चीज़ देखना है अपने को, दो चीज़ देखना है सर। दो चीज़ क्यों देखना है, क्योंकि ये जब चीज़ देखोगे तो मैक्सिमम 2 लाख का लिमिट है तुमको। क्या बोला मैंने, 2 लाख तक का डिडक्शंस मिल सकता है तुमको यहाँ पर। सर इसमें सर इधर मैक्सिमम तुमको सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। कितना सर, 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। क्या बोला मैंने, 30,000 का डिडक्शन। तो डिडक्शन की बात चल रहा है ना, इंटरेस्ट डिडक्शन की बात चल रहा है, तो डिडक्शन में हमेशा कोशिश करूंगा ज़्यादा लूँ मैं, कम नहीं। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, मैं इनकम से माइनस कर रहा हूँ कोई चीज़, और इनकम से ज़्यादा माइनस करूंगा तो मेरे को इनकम कम आएगा, और इनकम कम आया तो मैं टैक्स भी क्या करूंगा, कम ही भरूंगा, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा डिडक्शन मिले मुझे, ये बेनिफिट मिले, ना कि ये बेनिफिट। बट ये बेनिफिट के लिए भी कंडीशन है कुछ सर। वो क्या कंडीशन है, कंडीशन बताओ सर जल्दी, वो याद कर लेते हैं अपन। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाता है, अगर एज अ ओनर मैं वो कंडीशन फुलफिल कर देता हूँ, तो तुमको इंटरेस्ट 2 लाख तक का मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सर, फर्स्ट कंडीशन क्या है, लोन वॉज, क्यों सर लोन बोल रहे हैं, इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट कब आता है सर, लोन लेने पर ही आता है ना इंटरेस्ट, विदाउट लोन तो नहीं आएगा। तो याद रखना है लोन के ऊपर ही है, जो लोन हम बोरो कंस्ट्रक्शन इक्वेशन ये सब चीज के लिए कर रहे हैं, राइट। तो लोन वॉज टेकन फॉर 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 किसका पर्पस के लिए होना चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्शन, क्लियरली लिख रहा हूं मैं इधर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन क्लियरली लिखा है। एक्विजिशन का मतलब खरीदना होता है, फ्लैट्स वीट्स वही जो भी घर खरीदना, और कंस्ट्रक्शन का मतलब घर को बनाना, राइट, कंस्ट्रक्ट करना। तो ये दो चीज़ के लिए ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने तो अब एग्जाम्पल में दिया था कि रिन्यूअल रिनोवेशन रिनोवेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर्स, ये सब चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ आ गए तो फिर वो मतलब नहीं, वो डायरेक्टली मैक्स टू मैक्स 30% में चला जाएगा। मेन दो ही चीज़ होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर एक्विजिशन, ये दोनों में से एक चीज़ हुआ तो तुमको 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा तुमको डिडक्शन। तुम बोलोगे मैंने घर रिनोवेट किया उसके लिए मैंने लोन लिया, प्लीज़ मेरे को 2 लाख का डिडक्शन दे दो, सॉरी माफ़ कर दो भाई, इन्होंने क्लियर बोला है दो ही चीज़ के लिए मिलेगा तुमको डिडक्शन। ठीक है, तो तुम्हारा लोन ये चीज़ के लिए ही होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए कोई भी। सेकेंड सर, सर क्या होना चाहिए, लोन जो है ना ऑन और ऑन और आफ्टर 1/4/1999। क्या बोला सर, लोन टेकन क्या बोलना चाहता है सर, बोलता है जो लोन ले रहे हो ना तुम लोग, जो लोन ले रहे हो किसके लिए ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए ले रहे हो, लोन जो ले रहे हो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए ले रहे हो, वो लोन ऑन और आफ्टर, मतलब ऑन मतलब 1/4/1999 को ऑन बोलेंगे उस दिन, या फिर उसके बाद से, उसके बाद से आफ्टर, उसके बाद से तुमको वो लोन लेना चाहिए, उससे पहले वाला लेगा मतलब इनडायरेक्टली आफ्टर, समझ रहे हो, 1991 मतलब 1 अप्रैल, या फिर उसके बाद से 1999 के जितना भी लोन तुम लोगों ने लिया होगा ये पर्पस के लिए, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा तुमको। मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा तुम्हारा, 2 लाख तक का रहेगा। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तुमको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये डेट, अच्छे से याद रखो, ऑन और आफ्टर 1/9/99, ठीक है, लोन लिया रहना चाहिए, उससे पहले वाला लोन को कंसिडर नहीं किया जाएगा इधर, ठीक है। ठीक है, तो और एक कंडीशन है सर, कंप्लीशन, कंप्लीशन
बोलेंगे सर। क्या कंप्लीशन? क्या है कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन? मतलब सर जो तुमने ने लोन लिया है घर बनाने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए लोन लिया है, वो कंप्लीट होना चाहिए विद इन विद इन 5 ईयर्स। कितना? विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर ऑन विच लोन वॉज टेकन। क्या बोल रहा है सर वो? सिंपल चीज़ बोल रहा है, तुमने अगर लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए या एक्विजिशन के लिए, तो वो लोन वो प्रॉपर्टी अपने हाथ में एक्वायर हो जाना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए 5 साल में। विद इन 5 ईयर्स तुमको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना ही है। तुम लोग बोला कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और 10 साल से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो एलिजिबल नहीं होगा 2 लाख के डिडक्शन के लिए। तो 2 लाख के डिडक्शन के लिए तुमको 5 साल के अंदर तुम्हारा एक्विजिशन हो जाना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। लेट हुआ तो तुमको सॉरी ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? और सर कब से गिना जाएगा 5 साल? समझो एग्जाम्पल देते हो यहाँ पर, ठीक है? मैंने लोन कब लिया है? लोन 1 अक्टूबर 2012 में लिया। कभी लिया सर? 1 अक्टूबर 2012 में लिया। तो ये लोन डेट है। कौन सा डेट है? लोन टेकन, ठीक है सर? उसके बाद में सर कब से गिनूँ मैं 5 साल? यहीं से शुरू करूँ? नहीं, एंड 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 ईयर के लिए वेट करना, ईयर एंड के लिए वेट करना, ठीक है? ईयर एंड के लिए वेट करना। सर ईयर एंड कब होता है इसका? सर इसका ईयर एंड होता है 31 मार्च 2013। डाउट है कुछ? सिंपल है सर, इसका ईयर एंड कब होगा? 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च में ख़त्म होता है, तो इसका ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च। तो यहाँ से आपको क्या करना है? 5 ईयर्स ऐड करना है। क्या करना है? यहाँ से आपको 5 ईयर्स को ऐड करना है। सर कितना होगा 5 ईयर्स को ऐड? 14 15 16 17 18। मतलब सर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एंड 5 साल। मतलब 31 मार्च 2018 ये बना तुम्हारा 5 साल। मतलब 31 मार्च 2018 तक तुमको वो एक्विजिशन कर लेना चाहिए प्रॉपर्टी का या फिर तुम्हारा वो कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है फुलफिल, इसके आगे चला जाता है, तो तुमको ये 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। तो हमने क्या पढ़ा सर? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर मुझे डिडक्शन चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर मुझे डिडक्शन चाहिए, वो डिडक्शन 2 तरीके से मिल सकता है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड में और एक एलओपी में। सॉरी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर मुझे डिडक्शन चाहिए, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो मैक्स टू मैक्स 2 लाख का मिल सकता है या फिर 30,000 का मिलता है। क्या बोला? मैक्स टू मैक्स 2 लाख का मिल सकता है या फिर 30,000 का मिल सकता है। तो उसका कंडीशंस क्या है सर? कंडीशन बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन, लोन टेकन, लोन वॉज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन पर्पस, ठीक है, क्लियर है? सेकेंड, लोन वॉज टेकन ऑन एंड आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, उसके बाद से लोन कंसिडर किया जाएगा, उसके पहले वाला लोन नहीं कंसिडर किया जाएगा ये डिडक्शन के लिए। उसके बाद में सर लोन जो भी लिया रहेगा कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन पर्पस के लिए शुड बी कंप्लीट, मतलब कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीट विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑन विच द लोन टेकन, ठीक है? जिस टाइम पर लोन लिया रहेगा उसका क्लोजिंग के लिए वेट करो, वेस्ट जैसा क्लोजिंग हो जाएगा उसके बाद 5 साल ऐड करो, और विद इन वो डेट के अंदर तुमको कंप्लीट करना है। अगर नहीं किया तो तुमको 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर ये 30,000 का क्या मैटर है फिर सर? 30,000 में क्या आएगा सर? कोई भी इसमें से, कोई भी, क्या बोला मैंने, इसमें से कोई भी कंडीशन टूटता है, कोई भी कंडीशन टूटता है, मतलब कंपलसरी कंडीशन से, ये कंपलसरी कंडीशन अगर हुआ तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझो मैं लोन जो है कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं रिपेयर्स के लिए ले रहा हूँ, या जैसा लोन टेकन फॉर
रिपेयर्स हो गया, ठीक है, रिन्यूअल हो गया, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, रिनोवेशंस हो गया। तो ऐसे टाइम पे सर तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन यहीं पर मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। क्यों सर? उसका कंडीशन क्या है? कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन होगा तो ही मिलेगा, तो अगर वो ही नहीं है इधर तो मेरे को डिडक्शन किसका मिलेगा? मतलब लोन मैंने किसके लिए लिया? घर का रिपेयर के लिए लिया, रिन्यूअल के लिए, या फिर रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन ये सब चीज़ के लिए लिया, तो डिडक्शन वहाँ पर चला जाएगा 30,000, उसको 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर और क्या है सर, और एक कंडीशन बताओ सर। ऑन लोन बिफोर 1499, सर 1499 के बिफोर क्या होगा? 31/3/999, मतलब यहाँ से जो भी पीछे चला जाएगा वो सब क्या रहेगा? ये कंडीशन में नहीं गिरेगा, मतलब ये कंडीशन टूट गया। भले वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो, एक्विजिशन के लिए हो, बट अगर बिफोर हो तो कंडीशन टूट गया हो, राइट है? कंडीशन टूटा मतलब क्या माना? बिफोर इधर हो सकता है एक्वेशन और कंस्ट्रक्शन भी आ जाए, बट एक्वेशन कंस्ट्रक्शन आ गया तो ये कंडीशन फुलफिल। बट सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं? आफ्टर होना चाहिए, वो तो बिफोर है, तो बिफोर रहेगा तो सर वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उसका बेनिफिट 30,000 का ही मिलेगा। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है, उसको अच्छे से याद कर लो। और सर तुमको कितना भी घुमा फिरा के कुछ भी कर लो, इसमें 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं जा सकता है, इसमें 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन तुम लोग क्लेम कर ही नहीं सकते हो, लास्ट इतना ही है यहाँ पर, ठीक है? कुछ है डाउट? सिंपल चैप्टर है, जब तुम लोग सम्स करोगे खुद ब खुद समझ जाओगे सर कैसे चल रहा है अपना, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अपने पास अब जो है ना दो टॉपिक कवर करना रह जाते हैं। दो टॉपिक कौन सा है सर? एक तो इंटरेस्ट के रिलेटेड ही है, बट मैं उसको जिस टाइम पे उसका सम्स आएगा तो उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूँगा तो वो याद नहीं रहेगा। तो ये जो सिंपल था इसलिए मैंने इसको समझा दिया, ठीक है? जब वो पॉइंट आ जाएगा, जब उसका सम्स करेंगे हम लोग, तो वो पॉइंट भी कंसिडर करेंगे। और दो चीज़ें, जैसे मैंने दो चीज़ क्या कहा था, दो चीज़ क्या कहा था मैंने, एक है अपना रुकिए, तो वो दो पॉइंट क्या कवर करना बाकी है अपना, जब हम सम्स करेंगे वो पॉइंट को कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट है प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। सर ये भी इंटरेस्ट का ही पार्ट है क्या? हाँ ये इंटरेस्ट का ही है, जो हम ऊपर जो इंटरेस्ट पढ़ रहे थे उसी का चीज़ है, एक उसी का पार्ट है। बट वो हम जब आएगा थोड़ा कैलकुलेट, उसमें डेट्स हैं जो कंफ्यूज कर सकता है, तो अभी मैं थियोरेटिकली बता दूंगा तो उसका मतलब नहीं रहेगा। जब प्रैक्टिकली अपन समझने जाएंगे तो वो डेट्स को मैं प्रॉपरली तुमको समझा दूंगा, ठीक है? और सेकेंड है अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, ठीक है, और एरियर्स रिसीव्ड। तो ये दो पॉइंट अपने को जब मैं सम्स उसके ऊपर जब सम्स आएंगे तब तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, ठीक है? तो ऐसा करके अपना हाउस प्रॉपर्टी का थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है। अब अपने को प्योरली कॉन्सेंट्रेट करना है अपना प्रैक्टिकल पार्ट्स में। अब इसमें क्वेश्चंस 20-25 क्वेश्चंस है, उसमें से मैं कोशिश करूंगा एक अच्छे से 8-10 सम्स कवर कर लूँ और आपको समझा सकूँ जो मुझे ऐसा लगता है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और थैंक्स, आज के लिए हम फिलहाल यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वेट करिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वहाँ पर हम लोग पूरा सम्स के बारे में बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो सम्स, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस 2-4 बार आप सम्स देख के एक दो प्रैक्टिस कर लो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम लेने की टेंशन, मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ में, राइट? तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, और हो सके तो मेरे मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो, कुछ क्वेरीज रहेगा तो मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कुछ भी हो सकता है सजेशन इम्प्रूवमेंट, प्लीज़ वहाँ पर सजेस्ट करके मुझे बताइए। थैंक यू।